काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्या छोड़ोगे गाड़ी चलाए उसको किस स्पीड पे चलता रहेगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। i20 है मेरे पास, मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो आज जो है हम इसका ड्राइविंग सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट वन है ये। और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप मैनुअल कार कैसे चला सकते हैं, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स जस्ट सिंपल प्रोसीजर कि आपको किस तरह गाड़ी चलानी है, जो कि नए लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम कार चलाते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए देखते हैं कार को ड्राइव कैसे करते हैं, आइए। तो गाइस जैसे कि ये कीलेस एंट्री है, तो इसमें आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। तो आप जो एडवांस कार आती है उसमें ये फीचर आता है, तो आप इसको चाहे तो ऐसे ऑन कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो एज अ वे। तो मैंने इसको ऐसे चूज़ किया, साइड व्यू में इसको लगाए, कार अनलॉक हो गई। अब हमें क्या करना है, ये की हमने यहाँ पर रख दी। अब हमें कार को स्टार्ट करना है, इसमें कोई चाबी तो है नहीं कि आप घुमाओगे। तो यहाँ पे एक स्टार्ट स्टॉप बटन है, इधर एक स्टार्ट स्टॉप बटन है, जो कि क्लच दबा के हम उसको प्रेस करेंगे तो कार हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब हमें क्या मिलता है इसमें, हमें एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। तो हम कार चलाएंगे कैसे, अब जैसे हमने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर डाला, जो भी गाड़ी आप उठाओगे क्लच दबा के आपको उठाना है, वरना क्लच पे डैमेज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट गियर क्लच दबा के आपने चला दिया। और अगर आप नॉर्मल एरिया में आप चल रहे हो, नॉर्मल प्लेन एरिया है, तो आपको क्या करना है, हल्का सा क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी अपना बढ़ती रहेगी सेमेटेनियसली। यही अगर हम रिवर्स में करेंगे और सिर्फ क्लच छोड़ेंगे तो ये अपना पीछे होती रहेगी। एक्सीलेटर हम तब करते हैं कि जब हमें पावर थोड़ी ज़्यादा देनी हो, लाइक अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चलाना है, तो मैं इसको हल्का हल्का क्लच में ऊपर करूँगा, हल्का हल्का एक्सीलेटर दबाऊँगा, तो स्पीड ग्रेजुअली वो पकड़ेगा। ऐसे सेमेटेनियसली हम रिवर्स करेंगे, हल्का सा एक्सीलेटर दबाया ताकि गाड़ी जल्दी से पीछे हो, तो हमने उसको ऐसे कर लिया। सेकेंडली हमें इसमें फाइव गियर्स मिलते हैं, आप फर्स्ट गियर ऐसे डालेंगे, सेकेंड ऐसे डालेंगे, थर्ड न्यूट्रल पे लाके ऐसे डालेंगे, फोर्थ को भी सेकेंड की तरह हम पीछे करेंगे सेमेटेनियसली, फिफ्थ एंड नाउ R4 रिवर्स, ये हम रिवर्स करेंगे। लेकिन आजकल के जो कार आ रही हैं उनमें 6-speed मैनुअल आ रहा है, जिसके अंदर जहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन है वहाँ पे आपको 6th गियर मिलता है, और रिवर्स करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जिसको आप लीवर पुल करके ऐसे करेंगे तो वो रिवर्स में डलती है, थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये चीज़ है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आना चाह रहा था कि हमें ये एक्सेलरेशन, ब्रेक और क्लच, ये हमें उसको अलग अलग टाइप से इस्तेमाल करना होता है। बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया गाड़ी चलती कैसे है। अब जो इस बारे में हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि जो बंदा अंदर से गाड़ी चलाए उसको कितने इंटरवल बाद या कितनी देर बाद गियर बदलना चाहिए। तो आइए थोड़ा चला के देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से गियर पे कैसे गाड़ी उठानी है। फर्स्ट गियर हम लोगों ने डाल दिया, आहिस्ते आहिस्ते हम क्लच छोड़ेंगे, आप देख रहे हो स्पीडोमीटर पे स्पीड बढ़ रही है। अब फोर्थ गियर पर डाल के पूरा क्लच छोड़ दिया, पूरा क्लच छोड़ने के बाद ये 6-7 की स्पीड पर चलता रहेगा, कंटिन्यूसली कार उस पर चलती रहेगी। उसके बाद हम थोड़ा सा उसको एक्सेलरेशन देंगे, जैसी आपकी स्पीड 15 हुई या फिर 2000 RPM का अपना गोल मान के चलो, जैसे 2000 RPM पे हो तो आप गियर चेंज करो, सिंपल। ये आप मान के चलो कि जैसे ही कार की स्पीड और RPM जो है 2000 RPM पर पहुंचता है आप चेंज करो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 20 पे चेंज करना है, 30 पे चेंज करना है, 40 की स्पीड पे चेंज करना है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये इशू आप कर सकते हो कि आप जैसी RPM क्रॉस करो 2000 वैसे आप गियर चेंज करो, ताकि गियर की फुल एफिशिएंसी और गाड़ी की लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। और ये भी नहीं कि आप थोड़ा सा क्लच दबा रहे हो फिर गियर चेंज कर रहे हो, गियर चेंज तो हो जाएगा लेकिन सारा फोर्स क्लच पैडल पर पड़ेगा। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2000 RPM के बाद आप इसको चेंज करो, गियर को, प्रोग्रेशन को चेंज करो। और अगर आप, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, जैसे गाड़ी हमारी पूरी स्टेशनरी है, ठीक है, हमने गाड़ी को रोक दिया, और अगर हम ब्रेक हमारा दबाव है और एकदम से हम क्लच छोड़ देंगे, जैसे काफ़ी जो नए लोग सीख रहे होते हैं वही गलती ज़रूर करते हैं, हमने क्लच छोड़ दिया,
गाड़ी हमारी बंद हो गई। कोई डरने वाली बात नहीं, कोई इशू नहीं है, होता है, लोगों को दिक्कतें आती हैं, वक्त के साथ साथ ये चीज़ें भी रिजॉल्व हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। आप फिर क्लच दबाइए, फोर्थ गियर पर गाड़ी ऑलरेडी डली हुई है, गाड़ी स्टार्ट हो गई। नाउ ट्राई कि आप जो है सबसे पहले क्लच इस्तेमाल करें, जब पूरा क्लच इस्तेमाल हो जाए उसके बाद आप एक्सेलरेशन पे यूज़ करें। सो ये चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी। तो आज मैंने इस लेसन में दो चीज़ें कवर करी हैं कि गाड़ी को कैसे चलाते हैं, एक्सेलरेशन, ब्रेक और क्लच, और आपको थोड़ा गियर के बारे में बताया है, और चलाने के बाद आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा बताया कि गियर कौन से टाइम पे कब कैसे हम लोग गियर को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ड्राइवेबिलिटी, हम चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जैसे किसी की स्पीड 10 है तो वो फिर सेकंड गियर पे कर दे, किसी की स्पीड अगर 30 है तो 30 के हिसाब से 3 पे कर दे, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है मैनुअल कार चलाने में, वो ये एक्सपीरियंस किया कि 2000 RPM पे आते ही, 2000 RPM क्रॉस करते ही आप गियर चेंज करो, जिससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्मल रहेगी, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप 2000 RPM से ऊपर चेंज करते हो या 2000 RPM से नीचे चेंज करते हो कोई भी ट्रांसमिशन, चाहे वन फर्स्ट गियर हो थर्ड गियर हो, तो क्लच पे बहुत फोर्स पड़ता है, क्लच पैडल पे, और जिससे क्लच पैडल डैमेज होने का पूरा पूरा चांसेस है। तो हम ये रिस्क नहीं लेते, और वैसे भी ह्यूंडई अपने में काफ़ी मशहूर है और मैनुअल ट्रांसमिशन के मामले में भी, ऑटोमेटिक में तो है ही कि लाइक इनका जो गियर का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत स्मूथ है, मतलब काफ़ी स्मूथ है, और क्लच भी कुछ इतना हैवी नहीं है। क्लच को मुझे आई गेस कुछ महीने पहले ही मैंने सर्विस करवाई थी, तो अभी तक क्लच ओके रिपोर्ट है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। AC भी ठीक चल रहा है, पर AC में कभी कभार दिक्कत यूँ आ जाती है क्योंकि डस्ट बढ़ जाती है तो कूलिंग नहीं हो पाती, तो भाई बहुत कम होता है, पर इसमें ये इशू है। एंड सेकेंडली मुझे आपको एक चीज़ और दिखानी थी, पैनिक ब्रेकिंग इशू। पैनिक ब्रेकिंग इशू क्या होता है, अंदर से हम कैसे फील करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने पूरा अभी रिवर्स किया, अभी मैं आप जब कार फॉरवर्ड लूँगा तब आपको बताऊँगा कि पैनिक ब्रेकिंग इशू एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि मैं अभी तो गाड़ी रिवर्स कर रहा हूँ खैर, लेकिन जैसे हम कार चला रहे हैं हम या फॉरवर्ड हम कंटिन्यूस स्पीड पे हम चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप एकदम से कस के ब्रेक रुकते हैं। तो इसमें क्या है, वो ब्रेक का फोर्स तो लगता है, पर जितना लगना चाहिए ना फोर्स उस हिसाब से नहीं लगता। आई विल शो यू अ डेमो, सो लेट मी, मुझे थोड़ा कार पीछे करने दो, आई विल शो यू अ डेमो। जैसे स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर के आने से पहले हम कैसे रुकेंगे और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि गाड़ी में क्या इशू है, आपको दिखाता हूँ एक मिनट। अब देखो मैंने गाइस क्लच दबाया, फर्स्ट गियर डाला, अब आप देखो फर्स्ट गियर पे था, यहाँ पे देखा गाइस ब्रेक पूरा प्रेस था, ABS ने भी काम किया, लेकिन पैनिक ब्रेकिंग इशू, वो फोर्स उतना नहीं लग पाया जितना लगना चाहिए। अब मैं कस के ब्रेक रुकाऊँ कोई सामने से आ गया फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो चीज़ कंपनी से ही डिफ़ॉल्ट मिली हुई है कि आप जो हैं गाड़ी चला रहे हैं और कस के ब्रेक रुक रहे हैं तो वो इशू आता है। फॉर एग्जांपल आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप चल रहे हो, ठीक है, आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप चल रहे हो और आप किसी आगे वाले कार ने एक बहुत इमरजेंसी ब्रेक रुका, आप ब्रेक रुकोगे तो वो हल्का सा ना घिसट्टा टाइप सा फील होता है, जैसे आपने शायद महसूस किया हो, वो घिसट्टापन जो है ना वो इसके अंदर बहुत है, एक जो फ्रिक्शन के साथ लगता है ना, जो फ्रिक्शन के साथ ब्रेक अप्लाई होता है वो फील नहीं है, आप ब्रेक लगा रहे हो तो जू यू जाता है। मैंने आपने देखा होगा मैकेनिकल जुगाड़ों की वीडियो पे भी आपने देखा होगा जो उन्होंने मेरे साथ बनाई थी, मैंने उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि यूँ होता है कार, मतलब फ्रिक्शन से ऐसे नहीं बैठता, तो वो इसमें बहुत इशू है। बाकी पिकअप इसका कुछ खास नहीं है, 1.2 लीटर का कापा इंजन है जो कि जो BHP और पावर जो टॉर्क ये सब जो होता है वो मैं आपको स्क्रीन पे अभी डाल दूंगा, आप देख रहे होंगे कि क्या उसकी डिटेल्स है, तो वो चीज़ें हैं, कुछ लैविश पिकअप या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है, ओके है। ओवरटेक नहीं कर सकते तो ये सब इसके अंदर फॉल्ट है, आप इसको हाईवे पे लेके जाओगे जैसे आप 100 की स्पीड क्रॉस करोगे वैसे इसमें अजीब अजीब सी ना साउंड आने लग जाएगी, लाइक साइड्स में साउंड आएगी, उधर से साउंड आएगी, तो गाड़ी थोड़ी सी हिलती भी है। नो डाउट कार मजबूत है, कोई इशू नहीं है, स्टिल आवाज़ें काफ़ी महसूस होती हैं जब आप इसको हाई स्पीड पर लेके जाओगे। और यहाँ पे जो है
ये चीज़ मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, और बाकी कुछ चीज़ें और रहती हैं उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा, और हो सके तो अपना जितना प्यार हो सके उतना बांटेगा। तो इसके साथ ही मैं आपको अलविदा कहता हूँ और मिलता हूँ आपसे अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।